एवरीवन, शिखर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर प्रेमिला, कक्षा 12 हिंदी के आपके सिलेबस के जो व्याकरण है उसका एक पॉइंट, एक बिंदु आज आपको समझाने जा रही हूँ, जो है वाक्य परिचय और प्रकार। वाक्य, वाक्य समझते हैं ना बेटा, जिसे हम सेंटेंस बोलते हैं, एक ऐसा वाक्य जो पूरा बना हुआ रहता है कि व्यवस्थित एक सिस्टमेटिक तरीके से बने हुए शब्दों का। अब अगर हम देखें कि वाक्य की परिभाषा क्या है या वाक्य को आप समझना चाहते हैं, तो यह परिभाषा है शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली कई वाक्य कहलाती है। शब्द, वर्ण, वर्ण का मतलब ये ह अकेला म अकेला, ये आप जानते हैं, इसे हम वर्ण कहते हैं, और इन दोनों को मिलकर जो बनता है वह कहलाता है शब्द। यह जो है तीन या चार शब्द मिलकर जब एक इकाई को बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं पद। अब हम समझते हैं कि पद या सार्थक शब्द, सार्थक शब्द का मीनिंग सबसे पहले हम समझेंगे अर्थ के साथ, यानी एक ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, निरर्थक नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि जल वल, अब जल के साथ हम वल बोलते हैं अपने उसके लिए फॉलोअप के लिए, आपको अच्छे से उसको कहना है तो हम जल के साथ वल का जब प्रयोग करते हैं तो वल का कोई मतलब नहीं होता है। हम अपनी रूटीन की जो लैंग्वेज है, हमारी जो रोज की बोलचाल की भाषा है, पानी वानी है ना, तो वानी का तो कोई अर्थ नहीं है, तो यह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जल या पानी ये सार्थक है जिनका कोई अर्थ है। तो वाक्य की परिभाषा में सबसे पहला जो होता है शर्त होती है, वो होता है कि उसका अर्थवान होना बहुत जरूरी है, मीनिंगफुल होना जरूरी है। उल जलूल कुछ भी बोला गया निरर्थक शब्द वाक्य नहीं कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो वो पद भी हो सकता है, शब्द भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शब्द है और ये पूरा पद है। उनका सार्थक होना जरूरी है, मीनिंगफुल होना जरूरी है, और दूसरा व्यवस्थित होना जरूरी है। व्यवस्थित अच्छी तरीके से जमा हुआ सिस्टमेटिक होना चाहिए, जैसा कि हमारी हिंदी भाषा का क्रम है, पहले कर्ता आएगा, कर्म आएगा, अंत में क्रिया आएगी, तो वह कहलाता है व्यवस्थित समूह। उदाहरण के लिए स्कूल, शीला जाती है, इस तरीके से बना हुआ वाक्य व्यवस्थित नहीं कहलाएगा। शीला घर से स्कूल जाती है, यह एक सिस्टमेटिक व्यवस्थित समूह है। समूह मतलब ग्रुप, पूरा जो वाक्य है वह अर्थवान है, हर शब्द अर्थवान है और एक सिस्टमेटिक व्यवस्थित है, जिससे वक्ता, वक्ता का क्या मतलब होता है बेटा, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता है ना, सुनने वाला, तो जो बोल रहा है उसका जो कहना चाहता है वह, उसका आशय मतलब उसका अर्थ, अभिष्ट यानी उसका जो कहने का मतलब है, वह पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है तभी वह वाक्य कहलाता है। जो वक्ता कहना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है, जब वह पूरी तरह से व्यवस्थित हो, सार्थक हो, तब वह व्यवस्थित जो है आशय, उसका अर्थ पूरी तरह से सामने वाले को, सुनने वाले को अर्थात श्रोता को समझ में आ जाना चाहिए। हम इसको दूसरे शब्दों में वाक्य की परिभाषा कह सकते हैं, शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली कई वाक्य कहलाती है। अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि वाक्य की परिभाषा आया है तो एक सिंपल सी इस लाइन को आप याद कर लें, है ना, शब्दों के सार्थक मेल, मिलन से, अर्थवान मिलन से शब्दों के जो इकाई बनती है उसे हम वाक्य कहते हैं, है ना। अगर परिभाषा आती है एक नंबर की, दो नंबर की, तो ये आपकी एक लाइन से आपको पूरा एक नंबर मिल जाएगा। अब वाक्य के द्वारा, सेंटेंस के द्वारा हम किसी से भी वार्तालाप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत। वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत करना। कम्युनिकेशन के लिए दो व्यक्ति चाहिए और उसके द्वारा वाक्य भी चाहिए जो व्यवस्थित हो, पहली चीज, और सार्थक हो, अर्थवान हो। यह हो गया हमारा वाक्य की परिभाषा, अर्थात हम वाक्य को पहचानेंगे कि किसे हम वाक्य कहेंगे। अब इसके बाद आता है उसके प्रकार, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, तो उसका आंसर है कि वाक्य के प्रकार जो है दो तरह से निकाले गए हैं हिंदी में। पहला अर्थ के आधार पर,
कि जो वाक्य कहा जा रहा है उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और दूसरा है रचना के आधार पर। रचना यानी बनावट, किस तरीके की वाक्य की बनावट है उसके आधार पर। सबसे पहले हम समझते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार हैं वो आठ हैं, ठीक है। जिस जो वाक्य कहा जाएगा उसको किस आधार पर, हम उसका जो मीनिंग निकल रहा है उसके आधार पर आठ तरह से समझते हैं। पहला है विधानवाचक। अब विधान का क्या अर्थ है? एक ऐसा वाक्य जो सरल हो, अर्थात सिंपल तरीके से बोला गया हो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। एक कर्ता एक क्रिया, अभी आपको जब मैं आगे समझाऊंगी तो आ जाएगा उदाहरण के द्वारा समझ में। उसके बाद निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है मना करना, कैंसिल करना, ना करना। प्रश्नवाचक, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह हो जाता है प्रश्नवाचक। इसके अंदर आगे क्या, कैसे, कहाँ, कब, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। और दूसरा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आप पहचान जाइए कि प्रश्नवाचक है। इसी तरीके से विस्मयादि बोधक। विस्मयादि वाचक वाक्य जिसमें आश्चर्य प्रकट किया गया हो, किसी तरीके का अचरज, अरे। और विस्मयादि बोधक का चिन्ह ये है। ठीक है, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है। ये एक सरल वाक्य, इसमें मना किया गया है। अब आज्ञावाचक, जैसा कि आप जानते हैं ऑर्डर देना। आज्ञावाचक वाक्य में हम किसी को कुछ करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए, कुछ लाने के लिए, किसी भी काम के लिए ऑर्डर देते हैं, वह आज्ञावाचक हो गया। इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य में इच्छा जाहिर की जाती है कि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, तुम वहाँ जाओ, इस तरीके के शब्द का प्रयोग होता है जिसमें कहने वाले की इच्छा प्रकट हो, उसे कहते हैं इच्छावाचक। संकेतवाचक वाक्य में किसी तरीके का संकेत होता है। दो वाक्य होंगे, जब आपको मैं आगे रचना के आधार पर वाक्य समझाऊंगी तो वहाँ पर एक मिश्र वाक्य है, तो आपको समझ में क्लियर हो जाएगा कि संकेतवाचक अर्थात मिश्र वाक्य। एक चीज़ समझिए, संकेतवाचक हमेशा मिश्र वाक्य होता है। दो वाक्य होते हैं, एक दूसरे पर आधारित होते हैं। संदेहवाचक में संदेह किया जाता है कि क्या, शायद, जैसे संदेह का है शायद, शायद वह गई होगी, शायद वह आई होगी, यानी कहने वाले को शक है, संदेह है कि यह काम हुआ है या नहीं हुआ है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। शीला रोज पढ़ने जाती है, एक बिल्कुल सरल वाक्य है। शीला रोज पढ़ने जाती है, कर्ता क्रिया कर्म। अब इसी वाक्य को हम आज्ञा में बदल सकते हैं। शीला तुम रोज पढ़ने जाया करो, ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसी वाक्य को निषेधवाचक बनाते हैं। शीला रोज पढ़ने नहीं जाती है, तो यह निषेधवाचक वाक्य हो गया। प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या शीला रोज पढ़ने जाती है, ये हमने इसको प्रश्नवाचक बना दिया, क्या शीला रोज पढ़ने जाती है। इच्छावाचक, मेरी इच्छा है कि शीला रोज पढ़ने जाए, मैं चाहता हूं कि शीला रोज पढ़ने जाए, या शीला को रोज पढ़ने जाना चाहिए। ये वाला चाहिए शब्द जो है इच्छावाचक में आ जाता है। कहां भी आपको दिखेगा तो समझ में आएगा कि इनकी इच्छा ये है कि इसे ऐसा करना चाहिए, तो शीला को रोज पढ़ने जाना चाहिए, ये इच्छा प्रकट कर दी गई है। अब संदेहवाचक में पता नहीं है, हमें संदेह है हमेशा के कि शीला पढ़ने जाती है या नहीं, शायद शीला रोज पढ़ने जाती है, कहने वाले को कंफर्म नहीं है बेटा, और वह सोच रहा है कि पता नहीं शीला पढ़ने जाती है या नहीं जाती है, तो यह हो गया आपका संदेहवाचक शायद। विस्मयादि वाचक में हम क्या कर देंगे, अरे शीला रोज पढ़ने जाती है,
अरे शीला रोज पढ़ने जाती है, तो ये हमने यहाँ पे आश्चर्य प्रकट किया है। तो ये हो गया हमारा विस्मयादि वाचक। एक दो तीन चार पाँच छ सात, और एक हमारा है इसके अंदर जो संकेतवाचक, जो इसके अंदर स्लाइड में नहीं है। तो ये संकेतवाचक जो वाक्य है, इसके लिए संकेतवाचक को समझने के लिए हमें ये देखना होगा, इसी के ऊपर मैं बता रही हूँ आपको, कि जब शीला घर पर होती है तब रोज पढ़ने जाती है। संकेतवाचक वाक्य में दो वाक्य अलग अलग होंगे, जब शीला घर में होती है तब वह रोज पढ़ने जाती है। तो यह हो जाएगा आपका संकेतवाचक। एक दो तीन चार पाँच छः सात, और आठवा है संकेतवाचक। यह एक ही उदाहरण से मैंने आपको समझाया है, आशा करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कौन सा अर्थ के आधार पर कौन सा प्रकार समझ में नहीं आया है। परीक्षा में बेटा रिक्त स्थान की पूर्ति में आ सकता है, आज्ञावाचक को बदलो ये भी दिया जा सकता है। एक वाक्य दे दिया, शीला रोज पढ़ने जाती है, और कहा कि यह प्रश्नवाचक है। राइट रॉन्ग बताइए, जैसे कि मैंने आपको सैंपल पेपर में बताया है कि जो एक मार्क के प्रश्न आ रहे हैं, राइट रॉन्ग सत्य असत्य, तो आपको लिखना है कि नहीं यह वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, अर्थात ये असत्य है, है ना। तो इस तरीके से ये हमें जो वन जो बहुविकल्पी प्रश्न जो हमारे वन वर्ड के जो है उसमें प्रश्न एक दो तीन चार में के लिए ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको हल कर पाएंगे। अब इसके बाद है रचना के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर आठ प्रकार है, अच्छी तरह से बायहाट कर लीजिए। अर्थ के आधार पर आठ प्रकार, रचना के आधार पर तीन प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य विधानवाचक अभी हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर, यानी उसी को हम कहते हैं सरल वाक्य, अर्थात एक क्रिया एक कर्ता, जैसे राजू पानी लाया। चलिए अब इसी पे मैं बताती हूँ आपको संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा। सरल वाक्य जो है वह एक ही क्रिया करता होता है, सिंपल एक वाक्य जो सीधे से हो रहा है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से ज्यादा स्वतंत्र वाक्य होते हैं, और वह किसी योजक से जुड़े होते हैं। अब हमें समझना पड़ेगा योजक क्या होता है। योजक अर्थात दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कहलाता है योजक कंजक्शन। ठीक है, जैसे और, तथा, और, तथा, एवं, है ना। इस तरीके के वाक्य जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ते हैं वह योजक कहलाते हैं। तो संयुक्त वाक्य में आपको एक वाक्य के बाद में ये योजक मिलेंगे और फिर दूसरा वाक्य खत्म होगा। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी जो है उस पर आश्रित होते हैं। आश्रित का क्या मतलब है बेटा, आश्रित का मतलब होता है डिपेंड होना। अगर एक वाक्य है वह दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, अगर पहला वाक्य नहीं बोला जाएगा तो दूसरा हमें क्लियर नहीं होगा, यानी दोनों वाक्य जब एक साथ बोले जाएंगे तब उनका अर्थ हो प्रकट होगा। अब ये जो है राजू पानी लाया, मैं इसी को बता रही हूँ कि मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य इसी वाक्य से हम कैसे बना सकते हैं। सरल वाक्य हो गया राजू पानी लाया, मिश्र वाक्य राजू घर गया, ये है संयुक्त वाक्य। और पानी लाया, राजू घर गया, तथा, एवं पानी लाया, है ना। एक वाक्य अपने आप में पूर्ण है, स्वतंत्र है, फ्री है। अगर मैंने कहा राजू घर गया, वाक्य अपने आप में कंप्लीट हो गया है, कोई संशय नहीं है राजू घर गया। राजू पानी लाया अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में स्वतंत्र है, फ्री वाक्य है, उस पर डिपेंड, इस पर डिपेंड नहीं है। राजू घर गया, राजू पानी लाया, अब हमने इसको जोड़ दिया है और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, जो भी है योजक, उनसे हमने इनको ज्वाइंट कर दिया है। ज्वाइंट किया तो यह बन गया आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य हो गया राजू पानी लाया, राजू घर गया और पानी लाया, यह वाक्य मैंने उसी से आपको संयुक्त बना के बताया। अब मिश्र में भी हम इसी वाक्य को प्रयोग करके देखेंगे। जब राजू घर गया तब
पानी लाया। अब जब तब जैसे ही राजू घर गया वैसे ही पानी लाया, तो इससे क्या पता चल रहा है हमको कि यह वाक्य इस पर डिपेंड है, आधारित है। जब राजू घर गया प्रश्न उत्पन्न हो गया कि तब क्या हुआ, जब तक दूसरा वाक्य आप नहीं बोलोगे तब तक यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा कि जब राजू गया तब क्या हुआ, तब वो पानी लाया। तब पानी लाया कब लाया, जब घर गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर आधारित हो गए हैं। जब राजू घर गया तब क्या हुआ, तब पानी लाया, कब पानी लाया, जब तब से हमने इसको जोड़ा है। तो मिश्र वाक्य में हमेशा एक पहला और एक बीच में मिलते जुलते जो शब्द हैं वह लगते हैं, और दोनों वाक्य एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के पर डिपेंड हैं, आश्रित हैं, जिसे कहा गया है आश्रित का अर्थ होता है डिपेंड होना। तो ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। सरल वाक्य में एक ही क्रिया है, राजू पानी लाया या राजू घर से पानी लाया, हम इसको ऐसा कह सकते हैं सरल वाक्य में, राजू घर से पानी लाया, राजू घर गया और पानी लाया, संयुक्त वाक्य हो गया। जब राजू घर गया तब पानी लाया, जैसे ही राजू घर गया पानी लाया। तो यह तीनों जो है एक ही वाक्य से मैंने बताए हैं, और वो जो हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य, जब मैंने कहा था कि जब मैं आपको मिश्र समझाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि संकेत क्या होता है। तो संकेतवाचक वाक्य में इन्हीं का प्रयोग होता है। जब घर गया तो यह संकेत दिया गया कि तब उसने क्या किया, वैसे ही पानी लाया तो कब संकेत मिला कि जब वह घर गया। तो यह जो है वह संकेतवाचक हमेशा मिश्र वाक्य होता है, मैंने आपको बताया था। तो यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो अब हमने आज पढ़ा वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार, है ना, और वाक्य में हमने देखा कि सार्थक अर्थवान होना बहुत जरूरी है, जो भी हम कह रहे हैं शब्द और उसका, और एक व्यवस्थित होना, सिस्टमेटिक होना जरूरी है। तो हो गई वाक्य की पहचान, परिभाषा। वाक्य के प्रकार हम दो तरह से निकालते हैं, अर्थ के आधार पर आठ प्रकार, जैसे हम बोल रहे हैं उसके अनुसार उसका क्या अर्थ निकल रहा है, क्या हम आज्ञा दे रहे हैं, क्या हम प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या हम आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, है ना। और रचना के आधार पर उसकी बनावट, रचना मतलब उसकी बनावट के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार, सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल में एक वाक्य सीधे सीधे से एक कर्ता, एक कर्म, एक क्रिया से बन गया, और उसी को जब योजक से जोड़ा और तथा एवं, तो वह संयुक्त बन गया, अपने आप में स्वतंत्र हैं पर जुड़े हुए हैं, संयुक्त वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड है, जब तब, जहाँ, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, जैसे तैसे से जुड़े हुए होते, चूंकि, इसलिए और चूंकि भी ये शब्द आते हैं मिश्र वाक्य में। आगे जब हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी उदाहरणों से कि मिश्र वाक्य में किस तरीके से दो वाक्य से हम एक दूसरे पर उसको आधारित कर देते हैं, तो वह मिश्र वाक्य हो जाता है। ये आज आपका एक टॉपिक पूरा हो गया है, है ना। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी आगे कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।